हम सभी को बताइए कि देवेंद्र जी किसी भी प्रतियोगिता में जाने से पहले वे टेंशन में रहते हैं कि खुश रहते हैं, या फिर आपको हर बार उनको मोटिवेट करना पड़ता है? नहीं सर, बहुत खुश रहते हैं, भगवान में बहुत विश्वास करते हैं और जो भी कर्म करते हैं पूरा 100% देते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं सर। और इनका कॉन्फिडेंस देख के मेरे को ये लगता है कि ये सिर्फ इनको कंपटीशन खेलना ही है, मेडल तो अपना श्योर है, अपने देश के लिए मेडल तो लेके ही आएंगे। अब आप खेलती हो तो आपने बंद कर दिया? सर मैंने बंद कर दिया, बच्चों को संभाल रही हूँ, फैमिली को संभाल रही हूँ। अच्छा, जिया खेलती है? बोलो। नमस्कार सर। जिया क्या खेलती हो बेटा तुम? सर मेरा फेवरेट गेम बैडमिंटन है, तो मैं वो अच्छा। खेलती हूँ। और आप पढ़ती कहाँ पर हो? सर मैं जयपुर में पढ़ती हूँ। गांधीनगर जाती हो कभी? हाँ जाती हूँ सर। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए पापा ले गए कि नहीं ले गए तुम्हें? पापा के पास टाइम कम था ना, तो मंजू जी ले जाएगी। हाँ सर बिल्कुल लेके जाऊंगी। देखिए टोक्यो से आने के बाद आप सब लोग सब परिवार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाइए, देखिए देश की शान कैसी है वहां। जिया ये बताइए कि आपको भी अपने पिता की तरह, अब आप बैडमिंटन खेलती हो लेकिन स्पोर्ट्स में क्या करना चाहती हो, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहती हो? तुम्हें तो माँ बाप दोनों ने बचपन से ही स्पोर्ट्स की दुनिया में जोड़ा है। सर मैं मेरे पापा की तरह इंडिया के लिए मेडल जीतना चाहती हूँ। वाह, अच्छा अरविंद जी भी है यहाँ। अरविंद जी नमस्कार। भाई आए आप, और भाई भाई तो एक प्रकार से दोनों दोस्त होते हैं, बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। आपने देवेंद्र जी से कौन सी सबसे बड़ी बात सीखी है? सर देवेंद्र जी से सबसे बड़ी जो मुझे सीख मिली है वो ये कि बहुत जो भी काम करें वो बिल्कुल शांत मन के साथ करें और अनुशासन से करते हुए उस काम में अपना 100% एफर्ट लगाओ, ताकि आपका जो पूरा फोकस है वो उसी के ऊपर रहे। तो उस चीज से मुझे बहुत सीखने को मिला है और हम बहुत मोटिवेट होते हैं उस चीज से। चलिए मेरा परिवार को सबको बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र जी आपकी यात्रा और सफलता पूरे देश को प्रेरित करती है। एक तरफ जहां जिंदगी ने आपको मुश्किल समय दिखाया, लेकिन आपने और ज्यादा हिम्मत दिखाकर देश का नाम रोशन कर दिया। आपने 23 वर्ष की उम्र में भी जो दमखम दिखाया, वही दमखम आज आप 40 वर्ष में भी दिखा रहे हैं। इस बार भी आप पूरा प्रयास करिएगा, लेकिन किसी दबाव में नहीं आइएगा। आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।